एक्शन फिल्म में चौथे दिन काफी उछाल आया है। ये उछाल काफी अच्छा है, वो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि फोर्थ डे पब्लिक का रिस्पांस मैं खुद आज आपको ट्रैक करके बता रहा था। पब्लिक अच्छी खासी फिल्म को देखने आया रक्षाबंधन को, लोगों ने फिल्म को बहुत पसंद और बहुत सराहा। फिल्म का तीन दिन का कलेक्शन भले ही नाकाबिले तारीफ नजर आया था तीन दिन का, लेकिन हाँ फोर्थ डे का कलेक्शन में कुछ जान जरूर आई है। पब्लिक आई थिएटर्स में ये अपने आप में बड़ी बात है। पहले दिन कलेक्शन था 8.20 करोड़, सेकेंड डे था 6.40 करोड़, थर्ड डे 6.51 करोड़, 6.5 करोड़ के आसपास, और तीन दिन का टोटल था 21.11 करोड़। और अगर बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की, तो फोर्थ डे की जो ऑक्यूपेंसी है वो मॉर्निंग में 16 से 17%, 16 से 17%, आफ्टरनून शोज में ऑक्यूपेंसी जो हुई 23 से 24% के रेंज में, जहां पर ग्रोथ नजर आया क्योंकि छुट्टी संडे का वक्त था, 34 से 36% की जो रेंज में ऑक्यूपेंसी गई, और नाइट शो की ऑक्यूपेंसी भी उसी के आसपास उससे कम नहीं आएगी, और उससे कम इसलिए भी नहीं आएगी, उससे ज्यादा ही होगी 2-3%, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है, लोग ऐसे भी छुट्टी मनाने वाले हैं। तो चार दिन की जो ऑक्यूपेंसी है पूरी कम से कम इस फिल्म की आई है लगभग 28 से 29% के रेंज में। फिल्म लगभग 15 से 20% तक की ग्रोथ नजर आ रही है इस फिल्म में, और यहां पे जो कलेक्शंस का लेखा जोखा नजर आ रहा है वो लमसम नजर आ रहा है 7.50 करोड़ से लेकर 8.50 करोड़ के रेंज में, यानी 7.5 से 8.5 करोड़ के रेंज में फिल्म कमाती हुई नजर आ रही है, यानी कि प्रेडिक्शन मेरा इस बार सही होगा। और यहां पे अगर बात करते हैं टोटल कितना हो जाएगा चार दिन के बाद, तो टोटल लमसम होने वाला है 28.61 करोड़ से 29.61 करोड़, यानी कि 28 से 29 करोड़ के रेंज में फिल्म कमा सकती है चार दिनों में, और पांच दिन का वीकेंड है, कल भी फिल्म का अच्छा कलेक्शन आ सकता है जो फिल्म के लिए राहत की सांस लेने वाली बात जैसी होगी। चलिए फिलहाल कितने, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही आप बेल बटन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसके बाद ही मिलने वाले हैं। चलिए।